वेल गाइस, तो फाइनली AEW और NJPW के फॉरबिडन टूर के ऊपर AEW का वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच ओवर हो चुका है। और गाइस, अगर आप लोगों ने अभी तक ये वाला मैच चेकआउट नहीं किया है तो गाइस मैं आपको बता दूं, आज फॉरबिडन टूर के ओपनिंग के ऊपर ही हमें सबसे पहले AEW का वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑन द लाइन देखने को मिला, जहां पर मैक्सवेल जेकब फ्रीडमैन AEW का वर्ल्ड चैंपियनशिप हिरोशी तनासी के खिलाफ डिफेंड कर रहे थे। और गाइस, यहां पर आज इन दोनों के इस मैच के अंदर MJF इस मैच में तनासी का जमकर मजाक उड़ाते गए, जहां पर सबसे पहले तो MJF के एंट्रेंस के ऊपर ही MJF के गियर के ऊपर NJPW इंडी फेड लिखा होता है, जिससे कि MJF NJPW के बेइज्जती करते गए। और गाइस, इसके बाद मैच के शुरू होने के ऊपर MJF तनासी को हैंडशेक ऑफर करते गए, बट गाइस इसके बाद तनासी MJF को स्लैप कर देते गए, जिसके बाद के मैच के अंदर हिरोशी तनासी के ऊपर MJF उनके इंजर्ड नी पर अटैक करते गए। और गाइस, पूरे मैच के अंदर MJF उनके नी को टारगेट करते गए, जहां पर MJF और तनासी के आज बैक एंड फोर्थ इस मैच के अंदर हमें तनासी की तरफ से भी काफी सारे बिग मोमेंट देखने को मिलते गए, जहां पर एक टाइम पर इस मैच के अंदर तनासी बैक टू बैक स्लिंग ब्लेड और सुपर प्लेक्स हिट करके उनके फिनिशर हाई फ्लाइंग फ्लो के साथ मैच को जीतने की कोशिश करते गए। बट गाइस, इसके बावजूद भी आज इस मैच के एंडिंग के ऊपर हिरोशी तनासी जब उनका फिनिशर हिट करने वाले होते गए, तो गाइस सडनली MJF तनासी को गिरा देते गए, जिसके बाद कि MJF रेफरी के डिसरेस्ट करते हुए उनके डायनामाइट डायमंड रिंग के साथ तनासी पर अटैक करते गए। और गाइस, यहां पर MJF के डायनामाइट डायमंड रिंग से तनासी पर अटैक करने के बाद MJF इस मैच को जीत जाते गए। और गाइस, यहां पर AEW और NJPW के फॉरबिडन डोर के ऊपर MJF रिटेन करते हैं AEW का वर्ल्ड चैंपियनशिप।